वेलकम टू IGM कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम जानेंगे यहाँ पर सेट नंबर हमारा 17 होगा। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर 30 सेट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे से संबंधित एग्जाम के लिए, ग्रुप डी और लोको पायलट के लिए। जैसा कि पता है आपको कि इस बार जनरल साइंस ज़्यादा आने वाली है करंट अफेयर, तो मैं कुछ दिनों बाद यहाँ पर करंट अफेयर का वीडियो भी आने लगेगा। अभी हमारा सेट नंबर ये 17 होगा। हम लोग यहाँ पर कुल 30 सेट डिस्कस करने वाले हैं और 30 सेट में हमारे 3000 क्वेश्चन होंगे। मैं यहाँ पर डेली 50 क्वेश्चन लेके आता हूँ हर सेट में, जैसा कि आपको पता है, तो जान लेते हैं। जो व्यक्ति नया है चैनल पर, मैं उसी करूँगा गुजारिश कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों तो जान लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वह विज्ञान जो मृदाओं की उत्पत्ति, लक्षणों तथा उपयोगों की विवेचना करता है कहलाता है। दोस्तों हम लोग मिट्टी के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है, तो वह पेडोलॉजी कहलाता है, आपको पता होगा। तो आंसर हो जाएगा यह हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है। अब दूध से दही बनाने वाले जीवाणु पूछा गया है यहाँ पर, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है हमारा बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई, ठीक है, तो ये हमारा होगा आंसर ए, इसमें भी ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, DNA का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। दोस्तों DNA का संश्लेषण हमारा कॉर्नबर्ग ने किया था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा सी। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। दोस्तों हम लोग उसमें स्टील में कठोरता बनाने के लिए हम लोग किसकी मात्रा बनाते हैं, कार्बन की या फिर क्रोमियम की या मैग्नीज की या सिलिकॉन की, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रिमिनोटोग्राफी की तकनीक से क्या करते हैं। रंगों के पदार्थ की पहचान, पदार्थों की संरचना का निर्धारण, या रंगीन पदार्थों का प्रभाजी आसवन, या मिश्रण से पदार्थों को अलग करना तथा उनका विश्लेषण करना। बिल्कुल सही है हमारा, तो 5 का आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा डी। कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघटक क्या होता है दोस्तों। तो कार की बैटरी में हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसको हम लोग H2SO4 लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। तो विटामिन सी का हमारा रासायनिक नाम हमारा एस्कर्बिक अम्ल है, ठीक है, ये आपको पता होगा। दूध उदाहरण है दोस्तों, दूध हमारा इमल्सन का उदाहरण है, विलयन नहीं है, कोलाइड विलयन नहीं है, इमल्सन है, ठीक है, तो आंसर होगा इसका इमल्सन, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, ठीक है, ये हमारा इमल्सन है, दूध हमारा इमल्सन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों। तो धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यह हमारा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि मायोपिया जिसे हम लोग बोलते हैं, दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसमें दोस्तों कौन सा कथन गलत है बताना है हमें। इसमें नित्य गोलक आई बॉल होता है जो कुछ बड़ा हो जाता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटना पर ना बनकर पहले ही बन जाता है, ये सही है। इस कोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, ये भी सही है। इस दोष में उचित पावर लेंस के अवतल लेंस का चश्मा देकर दूर किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऊपर में से कोई नहीं हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। यह क्या है दोस्तों, यह हमारा लेंज का नियम है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो 11 का आंसर हो जाएगा यह हमारा सी। यूरोपा और टाइटन क्रमशः किन ग्रहों के उपग्रह हैं। दोस्तों यूरोपा और टाइटन हमारे किस ग्रह के उपग्रह हैं बताना है हमें। बृहस्पति का यूरोपा है और शनि का हमारा टाइटन है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा बी। ये दोनों हमारे उपग्रह हैं, बृहस्पति और शनि के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हीलियम की खोज किसने की थी दोस्तों। तो हेनरी कैंडेविस ने की थी, हाइड्रोजन की खोज बिल्कुल सही है, हाँ, तो ये हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। और लोकियन ने की थी हमारी हीलियम की खोज, ठीक है, तो लोकियन हो जाएगा इसमें आंसर। और पिस्टिलियन ने की थी दोस्तों हमारी ऑक्सीजन की खोज, तो दोस्तों, और बर्जिलियस ने की थी हमारी सिलिकॉन की खोज, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेड लेड है, जो रेड लेड क्या है दोस्तों, वो हमारा PbO4 है, ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा यह हमारा सी। पिच बिलेंट आयक्स है, पिच बिलेंट हमारा किसका आयक्स है, ये हमारा रेडियम का आयक्स होता है, आपको पता होगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में विद्युत स्थितिक ऊर्जा क्या होती है दोस्तों। हमारे यहाँ हमारा सी।
सी वी रमन को किसके विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों सी वी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी और वो हुई थी प्रकाश का प्रतिकीर्ण के लिए, ठीक है। इन्होंने प्रकाश के प्रतिकीर्ण की खोज की थी जिसे हम लोग रमन प्रभाव बोलते थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो सिंदूर का हमें रासायनिक नाम बताना है, तो इसका रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, जैसा कि आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट, विटामिन के का कार्य करता है, विटामिन के का कार्य क्या करता है दोस्तों? तो हमारा रक्त का थक्का जमाता है, तो इसमें आंसर होगा यहाँ हमारा बी। तिल्ली जिसे सिल्बिन बोल तिल्ली को कहते हैं, WBC का शमशान घाट, रक्त बैंक, RBC का शमशान घाट, या उपरोक्त बी और सी दोनों? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट में। आप लोग कमेंट दोस्तों नहीं करते हैं, पता नहीं क्या है आपको, पता नहीं अच्छा नहीं लगता है, या फिर आपको मैं जान नहीं पा रहा हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है कमेंट करने में, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो अगर आपको पता हो तो। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग लाइकेन कहते हैं, ठीक है। तो 21 का आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में विलेय विटामिन है दोस्तों, तो जल में विलेय हमारे BOC हैं और बाकी हमारे विटामिन वसा में है, ठीक है। विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की थी? 1911 में फंक ने की थी, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा जल में विलेय BOC। इनमें से किसकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ दीर्घतम है दोस्तों? तो हमारे इसमें अवरक्त किरणों की तरंग दैर्ध्य हमारी सबसे ज्यादा है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा अवरक्त, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो मानव कपाल में हमारी अस्थि होती है जो 8 होती है, इन 8 अस्थियों के अंदर ही हमारी जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है तो वहां रखी रहती है, ये हमारी सुरक्षा करती हैं, इस हड्डियां जो 8 हड्डियां होती हैं जो पिट्यूटरी ग्रंथि की सुरक्षा करती हैं, ठीक है। तो आंसर होगा यह हमारा 8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारणों से बढ़ता है, साइट से, जलकुंभी से दोस्तों नहीं बढ़ता है, जल में स्थित तैरने वाले पौधों से नहीं बढ़ता है, जल मैनीमग्न पौधों से नहीं बढ़ता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, पेस्टिसाइड से बढ़ता है प्रदूषण जल स्रोतों। बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है, वो हमें क्या है वो हमें ढूंढना है यहाँ पर। तो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको दिख रहे होंगे, 26 का आंसर होगा यहाँ हमारा बी, वो हमारी सुपर बग है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सुपर बग। हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा चेपी प्रक्रम है, ठीक है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, तो इसमें आंसर होगा हमारा यहाँ पर बी, वो है ऊष्मा शोषी प्रक्रम है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। 150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान की उत्पादन नियंत्रण और अनुप्रयोग संबंधी विज्ञान को कहते हैं हम लोग क्रायोजेनिक्स, ठीक है, क्रायोजेनिक्स कहते हैं इसको, तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा सी। ये हमें मिलान करना है यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इसका हम 2 या 3 इसके बारे में पता हो तो आसानी से मिलान हो जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा उसमें गति नियम ये हमारे कैप्टन ने दिए थे सबसे पहले, तो सी का हो जाएगा 1, ठीक है, ये हम लोग मिलान कर लेते हैं। और विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसे E=MC हम लोग बोलते हैं, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव बताया था आइंस्टीन ने, ठीक है, तो ए का हो जाएगा यहाँ हमारा 4। और अब बचा हमारा फिल्मन, ये हम छोड़ देते हैं अभी, ये हम लोग देख लेते हैं फिल्मन पिंड नियम, तो फिल्मन का नियम जो था हमारा आर्टीज ने, ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। और हम लोग ए से मिला लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा अनिष्ट सिद्धांत दिया था हाइजेनबर्ग ने, ठीक है, तो हमारा 29 का आंसर हो जाएगा यहाँ, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है दोस्तों? राइबोसोम होता है जो हमारी कोशिका में ये हमारा प्रोटीन संश्लेषण करता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे थे नायलॉन, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर 31 का आंसर होगा हमारा नायलॉन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक दाढ़ी बनाने के ब्लेड को जब हल्के से पानी पर रखा जाता है तब निम्न में से किस कारण वह प्लप करता है? तो वो प्लप करता है हमारा, प्लवन करता है पृष्ठ तनाव पर, ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल सामान्यता बड़ा होता है दोस्तों, यहाँ पूछा गया है आहार नाल हमारा सामान्यता बड़ा होता है किसका? सर्वाहारियों का, या शाकाहारियों का, या मांसाहारियों का, या कीट भक्षियों का? तो सबसे बड़ा होता है हमारा शाकाहारियों का, ठीक है, जो आहार नाल होता है, तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। कैसे रखा जा सकता है? ठंडी एवं शुष्क अवस्था में हम लोग बीजों को रखते हैं अच्छी तरह, तो वहाँ पर हमारा ये हमारी अच्छी तरह परिरक्षित रखी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक AMU परमाणिक द्रव्यमान इकाई समतुल्य है दोस्तों, वो हमारी 1.6735 इंटू 10 की घात माइनस 24 ग्राम से समतुल्य है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ हमारा ए। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को नीचे कर लेता है, उसे ऐसा उसे चोट लगाने से बचाता है, यह क्या है? हमारा यह हमारा संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ हमारा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है, तो वो होती है 5 से 6 लीटर, वयस्क है तो, और शरीर का हमारा 7%। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि कितना परसेंट रक्त दान दे सकते हैं, तो हम लोग 10% रक्त अपना दान दे सकते हैं। ठीक है, पादपों में होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है, वो हमारा क्या है दोस्तों? वो हमारा सेलुलोज होता है, जो पादपों में पाया जाता है लेकिन पशुओं में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो 38 का आंसर होगा यहाँ हमारा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अंतराणविक बल सबसे क्षीण है? तो वो हमारा हीलियम का होता है, तो 39 का आंसर होगा यहाँ हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की विमा हमारी डायमेंशन है, तो वो क्या है दोस्तों? तो वो होती है ML2 ML पावर 2 T-2 पावर। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ हमारा सी। नागफनी के कांटे में रूपांतरित है हमारी पत्ती होती है जो नागफनी में, वो हमारे कांटे में तब्दील होती हैं, आपको पता होगा। और ये हमारी सबसे ज़्यादा जहाँ पर पानी कम होता है जैसे राजस्थान, इस साइड उगती हैं। ठीक है, नागफनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं दोस्तों? तो हम 1 साल में दे सकते हैं, ऑप्शन अकॉर्डिंग यहाँ पर होता है, अगर 1 साल से कम तो उसमें भी दे सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है, कैसे बढ़ा जा सकती है दोस्तों? तो वो बढ़ा जा सकती है धारा को बढ़ाकर। ठीक है, अगर हम लोग धारा को बढ़ा देंगे तो विद्युत चुंबक की शक्ति उसे बढ़ा जा सकती है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा इसमें आंसर ए। आवर्तसारणी के वर्ग एक के तत्व हैं क्षार धातुएं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी आवर्तसारणी है जो वो उसमें वर्ग एक में रखा गया है क्षार धातुओं को, तो 44 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एल्केन का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र है, तो एल्केन का सूत्र होता है हमारा CnH2n+2। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा यहाँ पर सी। निम्नलिखित में से निहारिका नेबुला किसे कहा जाता है? तो हमारा वो तारक पुंज को कहा जाता है। ठीक है, निहारिका, तो आंसर होगा यहाँ पर डी। की स्थिरता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? दोस्तों जो तापमान होता है, स्थिरता मतलब है कि समान तापमान, तो हमारा समान तापमान पाया जाता है समताप मंडल में, तो 47 का आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा ए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसकी आप प्रतिक्रिया कमेंट करके दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों।